नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी पर किन नियमों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका व्रत, आपका पूजा पाठ पूर्ण फल आपको प्रदान करे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और धार्मिक महत्व इसका सबसे ज्यादा है। कहते भी हैं, मनोकामना यदि पूर्ण करनी हो तो इस व्रत को करना बहुत ही फलदायी होता है। इससे बड़ा तो कोई व्रत होता ही नहीं है। भगवान विष्णु खास ऐसे में प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर अपनी विशेष कृपा जो है ना वो दर्शाते हैं। इस एकादशी के शुभ अवसर पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी पर करी जाने वाली कुछ नियमों के बारे में, जिनका यदि आप पालन करते हैं, इन नियमों का आप अनुसरण करते हैं तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना होती हो। और यदि गलती से भी कुछ कार्य हो जाते हैं तो आपका पूजा जो है, व्रत जो है वो भंग हो जाता है। तो हमें किन किन विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत जो है कहने को एक दिन का होता है, लेकिन यदि सही तरीके से देखा जाए तो ये व्रत 3 दिनों का होता है। ये त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले नहाए खाए, जिस दिन हम लहसुन प्याज या फिर तामसिक भोजन से परहेज करते हैं, नहाकर भोजन को ग्रहण करते हैं, शुद्ध और सात्विक तरीके से इस दिन हम भोजन को बनाते हैं। इन नियमों के साथ ही शाम के बाद यानी कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत करेंगे उसके एक दिन पहले जो नहाए खाए हैं उस दिन शाम के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना होता है। माना जाता है एकादशी का जो व्रत है उस दिन अन्न का सेवन यदि आप करते हैं तो आपका व्रत ये पूर्ण रूप से भंग हो जाता है, ये खंडित माना जाता है। तो जब आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें कि संध्या काल के बाद आप किसी भी तरीके से अनाज का सेवन ना करें। यदि आप खाना ही है तो आप फल ग्रहण करें, सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप अनाज का सेवन इस दिन ना करें। इसके साथ ही जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन भी आपको ध्यान रखना है कि मसूर की दाल हो या फिर बैंगन, सेम, इन चीज़ों का भी सेवन सही नहीं माना जाता है। इसे भी तामसिक भोजन के रूप में गिना जाता है, तो इन चीज़ों का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे दिन यानी कि जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन कोशिश करें कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व उठकर की गई पूजा का विशेष फल होता है और वो पूजा सबसे ज्यादा सफल भी मानी जाती है। सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान आदि कर लें। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना कर लें। पूजा अर्चना करने के समय आपको ध्यान रखना है पीली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे फिर वो भगवान को आप आसन लगा रहे हो तो भी पीले वस्त्र का लगाएं, या फिर आप भोग लगा रहे हो तो भी पीले चीज़ों का आप भोग लगाएं, पीले फल फूल आप चढ़ाएं। इसके साथ ही स्वयं भी जो आप वस्त्र धारण करें उसमें पीले रंग को ही धारण करें, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी के निमित्त पीले चावलों का खीर इस दिन अर्पण करना खास महत्व रखता है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। पीपल के पेड़ की पूजा करें, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत जरूरी होता है और इसका विशेष फल भी आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही तुलसी मैया की पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी मैया की पूजा बिना स्पर्श किए करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को हिलाना या फिर उसको किसी भी तरीके से तकलीफ देना व्रत को खंडित ही माना जाता है। यदि आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करना चाहते हैं तो इस नियम से आप जल उसमें अर्पण करें जिसमें तुलसी के एक पत्ते भी ना हिले या फिर किसी भी तरीके से उसमें किसी भी तरह की कोई हलचल ना हो। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पण क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जल अर्पण हम कर सकते हैं लेकिन तुलसी की पत्तियों को किसी भी तरीके से हरकत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से पत्ते हिलने नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जो ज़्यादातर नहीं हो पाता है। जब भी हम जल अर्पण करते हैं तो पत्ते तो हिलते ही हैं, तो इससे अच्छा माना जाता है कि एकादशी के दिन हम तुलसी जी में जल ही ना अर्पण करें।
यदि आप इस तरीके से डाल सकते हैं जिसमें पत्तों में किसी भी तरह से तकलीफ ना आए तो आप जल अर्पण कर सकते हैं और तुलसी जी की पूजा तो विशेष रूप से करना उत्तम माना जाता है। दोस्तों ये वो कुछ नियम थे जो व्रत करने वाले को जरूर पालन करना चाहिए और इसके साथ दान भी करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर दान किन किन चीजों का खास तौर पर करना चाहिए, जो भी ऋतु फल होते हैं उसमें भी खासकर जो पीले फल होते हैं आम, खरबूजा या फिर केला और इस तरीके के जो भी पीले फल होते हैं इनका दान बहुत अच्छा माना जाता है। जल के पात्र का दान महादान माना जाता है, तो आप जल के पात्र का इस दिन दान अवश्य करें, खासकर यदि ब्राह्मणों को करते हैं तो ये और भी ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप चने की दाल और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर पालन करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एकादशी का व्रत यदि आप कर रहे हों तो घर के लोगों को भी कुछ नियम जरूर मानने चाहिए। जैसे कि दोस्तों यदि आप एकादशी का व्रत करते हों तो ऐसे में घर में भी प्याज लहसुन का सेवन कोई भी ना करें इस दिन। चावल किसी को भी सेवन नहीं करना चाहिए, जो भी घर के सदस्य हैं उस दिन चावल का सेवन ना करें। मसूर की दाल और बैंगन, सेम की सब्जी, इन सभी चीज़ों का सेवन जो है ना एकादशी के दिन उनको भी नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन आपको सबसे पहले भगवान श्री हरि को भोग जरूर लगाना चाहिए, उसके बाद ही आपका ये व्रत पूर्ण होता है। एकादशी के पारण वाले दिन आपको किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, तो श्री हरि को आप चावल का भोग लगा सकते हैं। जो चिवड़ा होता है, जो चूड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, पोहे का भी आप भोग लगा सकते हैं। ये भी चूंकि चावल से ही बना हुआ होता है तो चावल से बनी हुई चीजों का भोग विशेष फलदायी होता है। और जब आप भोग लगा लें तो चावल का ही आपको पारण करना होता है, फिर आप चावल खा सकते हैं या फिर पोहे का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप निर्जला एकादशी के व्रत को करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसमें आपकी जो भी मन्नत होती है निर्विघ्न वो पूरा भी होता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। और दोस्तों इस दिन आपको एक और बात का जरूर ध्यान रखना है, किसी के दिल को नहीं दुखाना है और ना ही किसी भी तरीके के अपशब्द का आपको प्रयोग करना है। गुस्सा मन में नहीं लाना है, मन ही मन आपको श्री हरि का नाम का जाप करते रहना है। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपकी एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण फल प्रदान करने वाला माना जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।